हेलो एवरीवन, मैंने देखा आप लोग हर जगह पर मुझसे पूछ रहे हैं मैम रिजल्ट डेट कब है, रिजल्ट कब तक आ सकता है एसबीआई क्लर्क का। तो आप लोगों का सबसे बड़ा टेंशन इस टाइम पर यही चल रहा है कि अब जो वो फोर सिटीज़ थी वहाँ पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद से हम लोग मेन्स का कब डेट एक्सपेक्ट करें। तो गाइज़, मैं मेन्स की डेट आप लोगों को बताने आई हूँ इस वीडियो में कि मेन्स की डेट क्या हो सकती है और आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक अच्छा सा बहुत बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है कि अगर मैं उस जगह पर होती तो ऐसे तैयारी करती। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। रिजल्ट डेट क्या हो सकती है उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि क्या रिजल्ट, क्या आपकी मेंस की डेट हो सकती है एसबीआई क्लर्क मेंस की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आपका रिजल्ट आता है उसके वैसे तो 30 डेज का रहता है आपका टाइम ड्यूरेशन कि आपका मेंस हो, बट लास्ट ईयर का भी अगर देखा जाए तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा हो सकता है कि उसी दिन आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है, सेम एक साथ आ जाए दोनों चीज़ें। तो आपका क्या हो सकती है, जो मैंने एनालिसिस किया तो सितंबर मंथ में गाइज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है एक्सेप्ट आरआरबी पीओ मेंस जो कि है 25 को, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सैटरडे संडे अगर देखा जाए तो वैसे तो आप किसी भी वीकडे पर एग्जाम हो जा रहा है, लेकिन अगर सैटरडे संडे देखा जाए तो आपका 18-19 की डेट बचती है, 20 की डेट बचती है, तो आपका उस टाइम पर हम हाई चांस है कि उस टाइम पर आपका एग्जाम रहे मेंस का एसबीआई के। तो आप लोगों के पास ओवरऑल टाइम जितना भी तैयारी के लिए बचा हुआ है वो पूरा ये 1 मंथ का बचा हुआ है। इसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्लासेस मैं ले रही हूँ अनअकैडमी पर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आप सबको पता है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली आओ, डेली 3 बजे क्लास हो रही है और उसमें मैं आप लोगों को पजल्स, TI एंड करेंट अफेयर्स जो कि मेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तीनों ही सेक्शन आपके, तो वो मैं आप लोगों को फ्री में करा रही हूँ गाइस। तो जो मेरे एफर्ट्स हैं इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए और आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओ ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बिल्कुल देखा कीजिए वो सेशन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वरना वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाएंगे और आप लेट भी हो सकते हो जानकारी से, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।